तो सैमसंग गैलेक्सी M21 के यूज़र्स के लिए इंडिया में बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M21 में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो है नवंबर का रिलीज़ करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 को इंडिया में UI 2.5 का कोर वाला वर्जन जो है रोल आउट किया गया है, जो कि एक नया और स्मूथ UI है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों इसके अपडेट की जो फाइल थी अराउंड 649 MB की थी, और वहीं इसमें आपको 1 अक्टूबर 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है, जो कि ये पहले सैमसंग के S20 सीरीज को देखने को मिल रहा था, लेकिन फाइनली सैमसंग इसे बाकी के स्मार्टफोन में भी रोल आउट करना शुरू कर चुका है। हालांकि ये सैमसंग का अपडेट One UI 2.0 की तरह ही है, लेकिन ये कुछ इंप्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन और कुछ स्मूथनेस के साथ आपको ये अपडेट One UI 2.5 का सैमसंग की तरफ से देखने को मिलता है। तो सैमसंग गैलेक्सी M21 में One UI 2.5 कोर के अपडेट के बाद आपको जो है कि इसके मैसेजिंग वाले ऐप में आपको हर 24 घंटे में 30 मिनट के अंदर अंदर SOS लोकेशन शेयरिंग का जो है फीचर आपको प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी के लिए काफी एक अच्छी चीज है, जिसकी मदद से आप हर 24 घंटे के अंदर अंदर हर 30 मिनट में आप SOS लोकेशन जो शेयर कर सकते हैं इसके मैसेजिंग ऐप के थ्रू। इसके अलावा इसके कैमरा की क्वालिटी और इसकी स्टेबिलिटी को भी जो है इम्प्रूव किया गया है इस अपडेट में। इस अपडेट में आपको सैमसंग के कीबोर्ड का नया वर्जन देखने को मिलेगा, साथ ही सैमसंग कीबोर्ड में लैंडस्केप मोड में स्प्लिट कीबोर्ड का फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सैमसंग कीबोर्ड में इनपुट लैंग्वेजेस को सर्च करने के लिए इसके सर्च फंक्शन को भी जो है काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव किया गया है। साथ ही इसके कैमरे में आपको सिंगल डेक नाइट लैंडस्केप और माई फिल्टर जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपके फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस को और भी इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा इसके सिस्टम की स्टेबिलिटी और इसके परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव किया गया है। तो दोस्तों ये अपडेट आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M21 में, जो कि One UI 2.5 का कोर वाला वर्जन इसमें रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर आप भी जो है सैमसंग गैलेक्सी M21 स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप फटाफट इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आपके भी स्मार्टफोन में One UI 2.5 का कोर वाला वर्जन आपको देखने को मिलेगा, स्मूथ UI देखने को मिलेगा, बाकी इसके कैमरे की क्वालिटी और सिस्टम की स्टेबिलिटी में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।